मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 30,000 के करीब अफराद की नकल मकानी, हंगामी हालत का ऐलान। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर और एयर टैंकर्स तलब। कनाडा के नए सरबराह मुख्तलिफ मामलात पर कैनेडियन आवाम की तरजीहात से हम आहंग है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि किंग चार्ल्स ने काबिल जिक्र कुशादा दिली का मुजाहरा किया। वली अहद के कैनेडा के लिए इकदाम काबिल सताइश हैं। चीनी सफीर को बेदखल ना करने के संगीन नतज मुरतब होंगे। कैनेडियन MP माइकल चौंग का कहना था कि चीन को वाज़ पैगाम भेजने और सिफारतकार को निकालने की ज़रूरत है। कैनेडियन हुकूमत का रवैया मायूसकुन है। रात गए रूस के 35 ड्रोन्स तबाह कर दिए, यूक्रेनी फौज का दावा। रूसी हुकाम का कहना है कि बहीरे अस्वद पर देखे जाने वाले 22 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। यूक्रेन के इलाके बाखमौत में रूसी फौज की पेशकदमी जारी। अमेरिका में ड्राइवर ने कार पनाह गुजीनों पर चढ़ा दी, 8 अफराद और 10 जख्मी। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकये की तफ्तीश की जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के सूबे अल्बर्टा में आग से 3,00,000 हेक्टेयर पर मुहीत जंगल राख होने के बाद इमरजेंसी नाफिज की गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा ने मगरबी कनाडा के सूबे में जंगलात में लगने वाली आग से तकरीबन 30,000 के करीब अफराद को बेघर करने के बाद हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। आग से 3,00,000 हेक्टेयर पर मुहीत जंगल राख होने के बाद इमरजेंसी नाफिज की गई है, जबकि तेज हवा चलने से आग बेकाबू होकर मजीद फैल गई है। अल्बर्टा की वजीर प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने 100 से ज्यादा जंगल की आग के सामने इस सूरत हाल को बेमिसाल करार दिया। 8,000 से ज्यादा आबादी वाले कस्बे एडसन के रिहायशों को फौरी तौर पर खाली होने को कहा गया। स्मिथ ने बताया कि एक गर्म खुश्क चश्मे ने इतना ज्यादा जलना पैदा किया है, जिसमें से 1,22,000 हेक्टेयर पहले ही जल चुका है। बहुत सी आग काबू से बाहर है, जो तेज हवाओं की वजह से बढ़ रही है। ब्रिटन वैली एडमिंटन से तकरीबन 140 किलोमीटर मगरिब में और शहर से तकरीबन 550 किलोमीटर शुमाल में वाकया फोकस लीक सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके थे, जहां आग से 20 घर तबाह हो गए। इंतजामिया ने आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर और एयर टैंकर तलब किए हैं। आग पर काबू पाने के लिए विफाकी हुकूमत ने भी मदद की पेशकश की है। एडमिंटन एक्सपो सेंटर में 1,000 से ज्यादा इनखिला करने वालों को रखा जा रहा है और हाई लेवल में एक कर्लिंग रिंग को आरजी पनागाह में तब्दील किया जा रहा है। अगरचे अल्बर्टा तेल पैदा करने वाला एक बड़ा खत्ता है, लेकिन तेल की कोई सहूलत फौरी तौर पर खतरे में नजर नहीं आती। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनके ख्याल में कनाडा का नया सरबरा रियासत माहौलियात और मकामी लोगों के साथ मफाहमत जैसे मसाइल पर बहुत से कैनेडियनों की तरजीहात से हम आहंग है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनके ख्याल में कनाडा का नया सरबरा रियासत माहौलियात और मकामी लोगों के साथ मफाहमत जैसे मसाइल पर बहुत से कैनेडियंस की तरजीहात से हम आहंग है। ट्रूडो और दीगर कैनेडियनों के एक ग्रुप बशमूल गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने हफ्ते के रोज किंग चार्ल्स 3 की ताजपोशी में शिरकत की और वजीर आजम ने इतवार को कनाडा के लिए वतन रवानगी से कबल मीडिया से बात की।
ट्रूडो ने कहा कि वो चार्ल्स को एक ऐसे शख्स के तौर पर जानते हैं जो फितरत के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़म है, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने काबिले ज़िक्र कुशादा दिली का मुजाहरा किया, नौ आबादियाती तारीख के चैलेंजेस को समझना जिनमें वली अहद को लपेट दिया गया है। उन्होंने पिछले कई सालों में मकामी रहनुमाओं तक पहुंचने में जो काम किया बशमूल इस हफ्ते, एक बार फिर मेरे ख्याल में उससे जाहिर होता है कि वो कैनेडियनों की वाकई बुनियादी तरजीहात में से कुछ के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं। ट्रूडो का कहना था कि हो सकता है कि शाही खानदान के लिए कैनेडा की हिमायत में कमी आई हो, लेकिन लंदन के मनाजिर एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। चार्ल्स के तख्त अलहाक को मुल्क के बेशतर हिस्सों में हल्का फुल्का रद्द अमल मिला है। पोलिंग से पता चलता है कि कैनेडियनों की अक्सरियत उन्हें रियासत के सरबराह के तौर पर तस्लीम ना करने की हिमायत करती है। ट्रूडो ने पिछले हफ्ते कहा था कि कनाडा में बादशाहत से छुटकारा पाने के बारे में काफी बातचीत हुई है, लेकिन उसने इस बात पर बहुत कम इत्तेफाक देखा कि मुतबादिल क्या होगा और कैनेडियन दूसरी चीजों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। साइमन ने हफ्ते को नशर होने वाले एक इंटरव्यू में बताया कि कैनेडियनों को चार्ल्स को खुद को बादशाह साबित करने का मौका देना चाहिए। कैनेडियन एमपी माइकल चोंग का कहना था कि फैसला कौन कार्रवाई ना करने से बीजिंग को दूसरे कैनेडियंस को धमकियां देने का हौसला मिलेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव एमपी माइकल चोंग का कहना है कि वो हांगकांग में उनको और उनके खानदान को निशाना बनाने वाली मुबैना चीनी मुहिम के बारे में जानकर लरस गए और उनका कहना है कि फैसला कौन कार्रवाई ना करने से बीजिंग को दूसरे कैनेडियंस को धमकियां देने का हौसला मिलेगा। चोंग ने एक इंटरव्यू में मुतालबा किया कि उस कार्रवाई में टोरंटो में चीनी सफारतकार को मुल्क बदर करना शामिल होना चाहिए जो मुबैना तौर पर इस साजिश में मुलविस था। उनका कहना था कि मुझे लगता है कि उन्हें एक वाज़ेह पैगाम भेजने और इस सिफारतकार को निकालने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि मकामी अखबार में कहा गया था कि बीजिंग की इंटेलिजेंस सर्विस ने मुबैना तौर पर हांगकांग में चोंग और उसके रिश्तेदारों को निशाना बनाने की कोशिश की एक आला खुफिया दस्तावेज और कौमी सलामती के एक गुमनाम जरिए का हवाला दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लिप एक चीनी सिफारतकार जो कनाडा में रहता है उसमें मुबैना तौर पर मुलविस था। चोंग ने कहा कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की जानिब से अखबार की रिपोर्ट के हवाले से सरे फहरिस्त खुफिया इंटेलिजेंस तशखीस ने उनके और उनके खानदान के खिलाफ मुबैना खतरात का खाका पेश किया। चोंग का कहना था कि हम ये भी जानते हैं कि दीगर मेंबरान पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वो शदीद मायूस हैं कि कनाडा की हुकूमत ना सिर्फ उनकी और उनके खानदान की हिफाजत के लिए काफी काम नहीं कर रही बल्कि दूसरे कैनेडियंस को भी बीजिंग ने निशाना बनाया है। रूस ने बहीरा अस्वद पर यूक्रेन के 22 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा का कहना था कि यूक्रेन के इलाके बाखमूत में रूसी फौज की पेशकदमी जारी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस ने बहीरा अस्वद पर यूक्रेन के 22 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। मास्को से खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने कहा कि बहीरा अस्वद पर देखे जाने वाले 22 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। दूसरी जानब रूस की जानब से यूक्रेन पर बमबारी का सिलसिला जारी है। इसी तनाजर में यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स मार गिराने के ऐलानात भी किए हैं। मास्को से रूसी वजारत दिफा का कहना था कि यूक्रेन के इलाके बाखमूत में रूसी फौज की पेशकदमी जारी है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक बाखमूत में रूसी फौज ने दो और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव समेत दीगर कई इलाकों पर हमले किए हैं जिनसे बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसके बाद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने ऐलान किया कि उसकी अफवाज ने मुल्क भर में मुख्तलिफ अहदाफ पर रातों रात रूस की तरफ से लॉन्च किए गए हमलों के दौरान तमाम 35 ईरानी साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी फौज की रोजाना की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रूस ने गुज़िश्ता रात भी 16 मिसाइल हमले किए थे जिनमें बुनियादी तौर पर खारकीव, खेरसन, मेकोलाइव और ओडिशा के शहरों पर हमला किया गया। बयान में कहा गया कि वैगनर बाखमूत शहर पर अपना जोरदार हमला जारी रखने के लिए अफवाज के साथ मिला हुआ है। अफवाज शहर के मगरबी इलाके पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेनी फोर्सेस और आबादी वाले इलाकों पर 61 फिजाई हमले किए गए और भारी मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए 52 हमले किए गए जिसमें आम शहरी हलाक और जख्मी हुए और ऊंची इमारतों, निजी घरों और दीगर शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी बस के इंतजाम में खड़े अफराद पर चढ़ा दी जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी बस के इंतजार में खड़े अफराद पर चढ़ा दी जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया जनूबी टेक्सास के शहर ब्राउनज़ोल में पेश आया। हलाक और जख्मी होने वाले तारकीन वतन है और उनका ताल्लुक वेंसवेला से है जो चंद रोज़ कबल ही इस शेल्टर हाउस में मुंतकिल हुए थे।
मुकामी पुलिस का कहना है कि सुबह के वक्त ड्राइवर ने तेज़ रफ्तार गाड़ी सिर्फ इशारा तोड़ते हुए शहरियों पर चढ़ा दी। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। वाकई की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि तारिकीन वतन अपने शेल्टर हाउस के सामने बने स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़े हैं कि एक तेज़ रफ्तार कार रेड सिग्नल तोड़ते हुए उन पर चढ़ दौड़ती है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फिलहाल ये वाज़े ना हो सका कि वाकया दानिस्ता तारिकीन वतन को टारगेट करने के नतीजे में पेश आया है या फिर एक हादसा है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। दूसरी जानिब तारिकीन वतन के कायम सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि हलाक और ज़ख्मी तारिकीन वतन का ताल्लुक वेंसविला से है। ये लोग चंद रोज़ कबल पनागाह पर रिहाइश के लिए आए थे। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV। Precise and effective.